स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एमएड को लेकर के लास्ट 5 आवर स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे आप लोग लास्ट 5 आवर में एमएड के अच्छी तरीके से पढ़ाई करके एक अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एमएड एक ईजी सब्जेक्ट है, बट आप लोगों ने साल भर उसे पढ़ा नहीं है तो आप लोगों को वो सब्जेक्ट हार्ड लगता है। सभी लोग एमएड को हमेशा नेग्लेक्ट करके चलते, बट जब एग्जाम आता है तो एमएड मैथमेटिक्स साइंस जैसे सब्जेक्ट से भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है, क्योंकि एमएड भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है एंड ये भी आपके 80 मार्क्स का आता है और ये भी रिजल्ट में आपके कंप्राइज करता है मार्क्स को। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग अच्छे से एमएड को पढ़े, बट पूरे साल में आप लोग एमएड नहीं पढ़ते हैं। अब 5 घंटे आपको एमएड पढ़ के अच्छा मार्क्स लाना है, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, एमएड में क्या होता है, आप लोगों को अपने धर्म के बारे में बताया जाता है। ओके, आपका मॉरल क्या होना चाहिए, मोरल एजुकेशन नाम से ही नैतिक शिक्षा, ओके धर्म शिक्षा, तो धर्म के बारे में ज्ञान होना, आपके मोरल्स के बारे में ज्ञान होना, ये आप लोगों को मोरल एजुकेशन बुक में बताया जाता है। लेकिन मोरल एजुकेशन मेनली 2 भाग में डिवाइडेड है, एक होता है हिंदी मीडियम के लिए, एक होता है इंग्लिश मीडियम के लिए। ओके, तो पहले हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम का हम लोग बाद में बात करते हैं। तो पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुने। देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है कि उनके बुक में 19 चैप्टर दिए गए हैं, 80 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप 5 घंटे में पूरा का पूरा बुक रट्टा मार के हटा दिया, जितने क्वेश्चंस दिए बन सकते थे वो कर लिया, दिए हुए हैं वो कर लिया, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए वो कर लिए। तो 5 घंटे में इतने सारी चीज़ों को करना अब इम्पॉसिबल सा काम है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि आपको क्या करना है कि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए हैं वो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ देर में वीडियोज़ आ जाने वाले हैं, ओके, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख करके अच्छे से पढ़े और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं वो आप लोग कर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उन्हीं टिक करवाए हैं जो कि या तो आपके पीछे के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं एंड वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि डीवी बोर्ड क्या कहता है कि एमएड कोई मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट तो है नहीं, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर, इस साल जो आपको सैम्पल पेपर मिला है वो सारे कर लीजिए। मैं आपको रेगुलर मैनर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर इसे प्रोवाइड करवा ही रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से कीजिए स्टूडेंट्स उन सालों को, क्योंकि यदि आप 5-6 चीज़ ऐसा ऐसा कर लेंगे ना तो समझ लीजिए आपका 50-60 मार्क्स ईजिली कंजर्व हो गया, बच गया। ओके, आप लोग ईजिली 50-60 मार्क्स ला सकते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से ही, क्योंकि 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप लोग उन्हें कर लिया तो आप लोग सोचिए कितना अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं, एमसीक्यूज भी मान लीजिए कुछ आएंगे तो आप लोग अच्छा कर पाएंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि मैं रेगुलर मैनर में जो भी सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसे आप लोग देखते जाइएगा एंड आप लोगों को मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाते जा रहा हूँ उन्हें आप लोग कम से कम करते जाइए। ओके, क्योंकि आप यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करके जाएंगे तो अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन को टिक करवाया हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो आ चुके हैं एंड या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इस साल आ सकते हैं। ओके, मेनली आपको ये फोकस होना चाहिए कि कम से कम आप लोग पास भी होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एमएड कैसा सब्जेक्ट है, मार्क्स स्कोरिंग तो अच्छा सब्जेक्ट है बट आप पढ़ेंगे तब। यदि आपने नहीं पढ़ा एमएड को तो कम से कम पासिंग मार्क्स पर फोकस कीजिए, यानी लगभग 27-28 पर फोकस कीजिएगा। यदि उस पर ही फोकस करते हो तो आपको क्या करना होगा, बड़े बड़े आंसर जो भी बन सकते हैं ओके उन्हें याद कर लीजिए। ओके, 4 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, बट मैं तो यही कहूँगा कि आपको पास होने पर फोकस नहीं करना, क्योंकि पास होना बड़ी बात नहीं होती है एमएड में, पास तो सभी बच्चे हो जाएंगे एमएड में। ओके, आप लोगों का अच्छा मार्क्स अचीव करना है। बाय द वे, यदि रिप्लेसमेंट हुआ किसी कारणवश, यदि रिप्लेसमेंट होता है यानी एमएड का मार्क्स यदि मैथ को रिप्लेस कर जाए तो सोचिए कितना अच्छा होगा। इसलिए आप लोगों को अंतिम 5 घंटे में एमएड को अच्छे से पढ़ना है। ओके, इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं उन्हें आप लोग जरूर जरूर कर लीजिएगा, उन्हें तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। और एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर कर लें। मैंने आपको 8-9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं एंड मैं रेगुलर मैनर में और भी प्रोवाइड करवाता जा रहा हूँ आप लोगों को, तो कम से कम आप लोग उन्हें भी करके जाएंगे तो आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है उससे आने वाले हैं, आप जान लीजिए इस बात को। ओके, आप देखिए स्टूडेंट्स, इतना जब आप कर लेंगे ना उसके बाद आपको फोकस करना होगा सुबह सुबह जब एग्जामिनेशन देने जाने लगेंगे उससे पहले आप लोगों को बुक को छोटे छोटे चीज़ें जो आपको बुक में दिए जाते हैं उन्हें आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। ओके, उन्हें आप लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिए, जैसे कोई पॉइंट दिया गया है ओम की महिमा, ये सब छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, उसे आप लोग एक ब्रीफ कर लीजिएगा। मैं सुबह के लिए भी स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए ला दूंगा, 1.5 घंटे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे 1.5 घंटे में आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, सुबह आ जाएगा वीडियो। ओके, एंड उस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि एमएड के एग्जामिनेशन के दौरान आपको किस किस
बातों का ध्यान रखना है। यदि आप वो वाला वीडियो भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताइएगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे देखें। तो पहले आप लोग यस लिखकर के बताइए यदि आप उस वीडियो को चाहते हैं तो, ओके तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का उतना ज़्यादा चैप्टर्स है नहीं, ओके। बेसिकली आपको चैप्टर्स को समझना है। मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक करवा दिए हैं, तो आप लोग भी जा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेरे सेकेंड चैनल पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को इस चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, और उस चैनल पे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर दिया है। तो आप लोग सेकंड चैनल पे जा करके क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर देख सकते हैं। एंड मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, पहले सिलेबस देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 11 चैप्टर्स है, 11 चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप चीज़ों को समझ अच्छा तरीके से लेंगे ना, तो आप आंसर्स खुद भी लिख पाएंगे। बट जब समझ के नहीं जाएंगे, रट्टा मार के जाएंगे, तो भूले, एक बार भूले कि पूरा आंसर गया पानी में, ओके। ऐसा नहीं करना आप लोगों को, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़िए चैप्टर्स को, पढ़िए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए चैप्टर्स पढ़ने में, बट पढ़िए चैप्टर्स को। चैप्टर्स जब तक नहीं पढ़ेंगे आंसर याद नहीं होंगे, एंड आंसर याद करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आप लोगों को मोरल एजुकेशन में, और हम लोग बोलते हैं नैतिक शिक्षा में, ओके। क्योंकि जब आप आंसर याद करेंगे, लिखने लगेंगे वहाँ जाके, तो अब यह सब आता है भूलने लगेंगे उस टाइम पे, ओके। क्योंकि ये साइंस का कोई थ्योरी तो है नहीं कि हाँ क्या होता है ये, क्या होता है ये, ऐसा नहीं है। आप लोगों को एमएड में अच्छे से लास्ट 5 आवर में अच्छे से रिवाइज करना होगा, और यदि आप तो रिवाइज नहीं करना चाहते, पढ़ना ही चाहते हैं, जैसे आप अपने हिसाब से पढ़िए स्टूडेंट्स। और 5 घंटे में 3 घंटा आप पढ़ने में लगा दीजिए, और 2 घंटा रिविजन में लगा दीजिए। एंड रिविजन में कैसे करना होता रहता हूँ, देखिए रिविजन में आप लोगों को सैंपल पेपर करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना है, एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है मैंने वो आप लोगों को अच्छे से कर लेना होगा। क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे ना, अब नहीं करेंगे ना एमएड को अच्छे तरीके से 5 घंटे में, तो समझ लीजिए फिर आपका एमएड नहीं जाएगा अच्छा। क्योंकि इतना भी आसान नहीं होता एमएड जितना आपने इजी उससे लिया, इतना भी आसान नहीं होता एमएड। बट हाँ, आसान होता है, सबसे आसान सब्जेक्ट एमएड होता है, बट इतना आसान नहीं होता जितना आप उसे सोच रहे थे, ठीक है। मैं जानता हूँ सभी अब टेंस्ड होंगे कि एमएड अच्छा नहीं जाएगा, खराब जाएगा, कैसा जाएगा, आई डोंट नो, ओके। बट यदि आप अभी के 5 घंटे में भी कम से कम लंबे लंबे आंसर्स को याद कर लेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, एमएड के मैं बोल रहा हूँ, ओके। आप जैसे बच्चे में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, अब आपको 5-5 मार्क्स में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कम से कम उन्हें भी कर लीजिएगा, तो आप इजीली 50-60 मार्क्स ला सकते हैं। एंड यदि आपने थोड़ी मोड़ी पढ़ाई की होगी ना पूरे साल में पीरियोडिक टेस्ट ये सब के लिए, तो समझ लीजिए आपका 70+ लिखा हुआ है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, यदि आपने उतनी अच्छी पढ़ाई की है उस लेवल की, तो आपका 70+ जो है एकदम लिखा हुआ है, आप इजीली हंसते हंसते 70+ ले आएंगे, ओके। तो अब आपको मैं बोलूँ स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है, सैंपल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये सब अच्छे से कर लेना है, और बुक को पढ़ लेना है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने टिक करना वो कर लीजिएगा। एंड आपके क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिए हैं, उसमें भी 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कम से कम उन्हें करके जाइएगा, उससे बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।